मंडी शहर के रामनगर वार्ड के एक मकान में अचानक आग लगने से 6 बच्चों सहित 10 लोग झुलस गए हैं। झुलसे हुए लोगों में से 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बाकी लोग खतरे से बाहर है। मिली जानकारी के अनुसार रामनगर वार्ड में गोदाम के पास एक मकान में कुछ प्रवासी लोग किराए पर रहते हैं। यह सभी मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर रेहड़िया लगाकर अपना रोजगार कमाते हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह भी ये अपनी रेहड़ियों के संदर्भ में तैयारियां कर रहे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां रखे गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था, जिसमें अचानक आग लग गई और हादसा हो गया। आग की चपेट में 2 परिवारों के 10 लोग आ गए, जिसमें 6 बच्चे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। सभी बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग किन कारणों से लगी। हवाई में एक गैस सिलेंडर के गैस लीकेज की वजह से एक आग लगने की घटना हुई है, जिसमें 2 परिवार कटे हुए हैं और कुल 9 लोग इसमें एडमिट हुए हैं। उसमें से एक थोड़े क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, बाकी सभी आउट ऑफ डेंजर है और पुलिस की जो टीम है लोकल इस पे अपनी कार्रवाई नहीं ला रहे और लीकेज के कारण है उसके छानबीन जो आगे की जाएगी। फर्दर डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स रूरल हॉस्पिटल उनकी सहायता से उनके ट्रीटमेंट में जो भी आगे मंडी शहर के रामनगर वार्ड के एक मकान में अचानक आग लगने से 6 बच्चों सहित 10 लोग झुलस गए हैं। झुलसे हुए लोगों में से 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बाकी लोग खतरे से बाहर है। मिली जानकारी के अनुसार रामनगर वार्ड में गोदाम के पास एक मकान में कुछ प्रवासी लोग किराए पर रहते हैं। यह सभी मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर रेहड़ियां लगाकर अपना रोजगार कमाते हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह भी ये अपनी रेहड़ियों के संदर्भ में तैयारियां कर रहे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां रखे गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था, जिसमें अचानक आग लग गई और हादसा हो गया। आग की चपेट में 2 परिवारों के 10 लोग आ गए, जिसमें 6 बच्चे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। सभी बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग किन कारणों से लगी। हवाई में एक गैस सिलेंडर के गैस लीकेज की वजह से एक आग लगने की घटना हुई है, जिसमें 2 परिवार कटे हुए हैं और कुल 9 लोग इसमें एडमिट हुए हैं रूरल हॉस्पिटल मंडी में। उसमें से एक थोड़े क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, बाकी सभी आउट ऑफ डेंजर है और पुलिस की जो टीम है लोकल इस पे अपनी कार्रवाई नहीं ला रहे और लीकेज के कारण है उसके छानबीन भी आगे की जाएगी। फर्दर डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स रूरल हॉस्पिटल उनकी सहायता से उनके ट्रीटमेंट में जो भी आगे कंप्लीट।